लेट्स कंटिन्यू ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक सैलरी. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इन फर्स्ट लेक्चर. आई इन्फॉर्म यू व्हाट इज सैलरी, व्हाट इज मीन बाय सैलरी एंड विच टाइप ऑफ सैलरी आर टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. नाउ वी विल सी बेसिस ऑफ चार्ज. अगर आपको सैलरी मिली है, नहीं मिली है, कोई फॉर्मल एम्प्लॉयर दे रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉय दे रहा है, आपकी सैलरी ड्यू है, तो क्या वो चार्जेबल होगी. दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. एज पर सेक्शन 15, सैलरी कंसिस्ट ऑफ एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एम्प्लॉयर और फॉर्मल एम्प्लॉयर टू एन असेसी इन द प्रीवियस ईयर वेदर एक्चुअली पेड और नॉट. अगर आपकी कोई सैलरी आपके एम्प्लॉयर करंट हो या फॉर्मर एम्प्लॉयर हो, वो ड्यू है, चाहे आपको मिली है या ना मिली हो, तो दैट सैलरी इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. पॉइंट नंबर टू, एनी सैलरी पेड, अगर आपको प्रीवियस ईयर में आपके एम्प्लॉई हो या फॉर्मर एम्प्लॉई हो, उसने पेड कर दी है, तो दैट सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इन इनकम टैक्स. एंड नंबर थ्री, एनी एरर ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू एम्प्लॉई इन द प्रीवियस ईयर बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर. इसी तरह आपकी कोई सैलरी बाकी रहती हो, एरर हो, मिलना बाकी हो पहले की, और इस साल आपका फॉर्मर एम्प्लॉयर या तो प्रेजेंट एम्प्लॉई एम्प्लॉयर आपको पे करता है, तो इवन दो सच सैलरी इज टैक्सेबल अंडर इन द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी. नाउ कम, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस. याद रखना, ड्यू का मतलब मिलना बाकी हो और रिसीव का मतलब मिल चुकी है. विच एवर मैच्योर अर्लियर, इसका मतलब दोनों में से जो भी पहले होगा वो चीज को कंसीडर इनकम टैक्स में किया जाएगा. दैट वी विल डेफिनेटली सी इन अवर प्रैक्टिकल लेक्चर्स. अकाउंटिंग मेथड इज नॉट रेलेवेंट, यानी जो अकाउंटिंग मेथड अंदर बताई है वो कोई महत्व रखती नहीं है. सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको सैलरी दी है, आइदर ड्यू बेसिस पे हो या इधर रिसीव बेसिस पे हो, दोनों में से जो पहले आएगा, दैट सैलरी इज टेकन इनटू कंसीडर. जो मैंने ऊपर तीन चार पॉइंट बताया उसका यहाँ पे शॉर्ट समरी दी हुआ है, शॉर्ट चार्ट दिया हुआ है, यह आप सुकून से पढ़ लेना तो आपको समझ में इजी रहेगा. क्लियर. अब जाते हैं ओरिजिनल जो हमारा सिलेबस है, हमारा जो कंटेंट है वो चैप्टर्स है. तो चैप्टर्स में जो जो टॉपिक है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे सिलेबस में सिर्फ लिमिटेड पोर्शन ऑफ सैलरी है. जितना अभी सिलेबस का है हम अभी उतना ही कवर करेंगे. जो एडिशनल टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू एंड टीच यू आफ्टर योर एग्जामिनेशन, बिकॉज वो अपने सिलेबस का नहीं है. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो वॉट आर द टाइप्स ऑफ सैलरी, वॉट आर द एक्स्ट्रा बेनिफिट यू रिसीव एट द टाइम ऑफ सर्विस, एंड हाउ इनकम टैक्स विल बी चार्जेबल, एंड व्हाट टाइप ऑफ एग्जेम्पशन यू कैन अवेल फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम सच रिसीप्ट. ओके, तो हमारे सिलेबस में तो लिमिटेड ही है. तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्रेचुएटी. ग्रेचुएटी इज एक्सप्लेन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10. ग्रेचुएटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक्ट में सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है. अब ग्रेचुएटी है क्या? तो ग्रेचुएटी इज अ लमसम अमाउंट. लमसम मीन्स एक साथ जत्थाबन अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई. जस्ट वेट. टू एन एम्प्लॉयर पेड बाय एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई व्हेन ही रिटायर आफ्टर अ लॉन्ग सर्विस. यानी बताना क्या चाह है कि अगर कोई बंदा लंबे समय तक कोई एक जगह पर काम करता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब वो रिटायर होता है,
एम्प्लॉई को कुछ लमसम अमाउंट पेंशन प्रोविडेंट फंड वो तो अलग है, उसके अलावा कुछ एडिशनल अमाउंट अपने तरफ से देता है। सच अमाउंट इज कॉल्ड ग्रेच्युटी। तुम ऐसा भी बोल सकते हो ग्रेच्युटी इज ए रिवॉर्ड फॉर लॉन्ग सर्विस, के बंदे ने हमारे यहाँ लंबे समय तक काम किया तो उसके बदले में हम लोग उसको कुछ रिवॉर्ड देते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेच्युटी इज टू प्रोवाइड रिटायरिंग बेनिफिट टू एम्प्लॉय। इसीलिए तो बोला है रिटायरिंग बेनिफिट, के जब एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसका घर संसार चलता रहे, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, उसका वर्किंग कंडीशन, उसकी लाइफ स्टाइल और स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट रहे जैसा एट द टाइम ऑफ सर्विस था, इसलिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। हर किसी को नहीं मिलती, याद रखना ग्रेच्युटी वही बंदे को मिलेगी जिसने बिजनेस में बिजनेस को ज्यादा समय दिया है। इट इज जनरली पेएबल एट द टाइम ऑफ सीसेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सीसेशन का मतलब होता है एट द एंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब बंदा अपनी नौकरी छोड़ता है, रिजाइन करता है, रिटायर होता है, तो उस समय दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, यानी कितने समय उसने काम किया है उसके मुताबिक अमाउंट नक्की होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने 10 साल काम किया है, मेरे कजिन ने 15 साल काम किया, तो बेसिकली जो 15 साल काम कर रहा है उसको ग्रेच्युटी का अमाउंट मेरे कंपेरिजन में कुछ ज्यादा मिलेगा। नाउ अब एम्प्लॉई, तो एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग ग्रेच्युटी हमको ध्यान देना है कि वो किसको दे रहे। तो हियर इन ग्रेच्युटी द एम्प्लॉई आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 गवर्नमेंट एम्प्लॉई, नंबर 2 एम्प्लॉई कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, एंड नंबर 3 अदर एम्प्लॉई। आपको ये तीन चीजों पे ध्यान देना है। कौन से प्रकार के एम्प्लॉई होते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉई कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट 1972, एंड नंबर 3 जो गवर्नमेंट भी नहीं है, जो कवर्ड में भी नहीं आते, उसको हम बोलेंगे अदर एम्प्लॉई। इन सिंपल वर्ड वी विल कंसीडर एज ए नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। ऐसा भी तुम बोल सकते हो कि वो एम्प्लॉई जो ग्रेच्युटी एक्ट में कवर्ड नहीं है। तो हमको तीनों तीन के बारे में डिटेल में देखना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो उसके बारे में क्या बताया है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का हो, अगर कोई भी बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो जितनी भी उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, जितनी भी अमाउंट की ग्रेच्युटी मिलेगी, वो पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है। इट मींस वो अमाउंट पे वो एम्प्लॉई को एक भी रुपया गवर्नमेंट को टैक्स पे करना नहीं है। देखो देखते एनी डेट कम रिटायरमेंट, या तो मर जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई या रिटायर होता है, वॉट एवर, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय ऑल कैटेगरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ऑफ लोकल अथॉरिटी और डिफेंस सर्विस इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, बट एम्प्लॉई ऑफ स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन इज नॉट कवर्ड इन दिस कैटेगरी। ये एमसीक्यू में आपको याद रखना है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई के बंदे हो गए, उनको जितनी भी ग्रेच्युटी मिलेगी उनके रिटायरमेंट के बाद या उनके डेट के बाद उनके लीगल हायर्स को, तो सच अमाउंट इज टोटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल पढ़ता हूँ, आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन ही है, अब आपकी इंटरनल एग्जाम एमसीक्यू है तो चांसेस है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या लिखा है, मिस्टर दीनानाथ एन इनकम टैक्स ऑफिसर दैट इज एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव्ड 78,600 एज ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन 30 अक्टूबर 2019। इज ग्रेच्युटी टैक्सेबल और नॉट? तो याद रखना है कि सीधा दे दिया है कि मिस्टर दीनानाथ इनकम टैक्स ऑफिसर है, इट मींस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, तो उनकी जितनी भी ग्रेच्युटी है टोटली ग्रेच्युटी इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर? ये तुम्हारा पहला टॉपिक हुआ। तो याद रखना अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उसको एक भी रुपया टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर वो प्राइवेट, उसके बाद कोई प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन करता है, तो कॉमन है प्राइवेट कंपनी है, तो वहां से जो उसको लंबे समय 5 साल 7 साल 10 साल काम करने के बाद मिलेगी तो देट अमाउंट इज टैक्सेबल। बट आपको यही दिमाग में रखना कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो कोई जात का उसको टैक्स आएगा नहीं।
उसकी पूरी की पूरी टैक्स लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेच्युटी जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना पैसा उसको मिला है टोटल पैसा इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। क्लियर? अब हम जाते हैं सेकंड एम्प्लॉई पे। याद रखना पड़ेगा आपको, इन केस ऑफ एम्प्लॉई कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट सेक्शन 10 सब सेक्शन 2 क्लोज 2। कौन सा क्लोज 2? क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई क्लोज 1 बन गया। तो देखते हैं, एनी ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉई कवर्ड बाय पेमेंट एक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स टू द एक्सटेंट ऑफ लिस्ट। एक्सटेंट ऑफ लिस्ट का मतलब ये नीचे जो तीन कंडीशन बताई है, तो तीन कंडीशन में से जो भी कम होगी उतनी उसको राहत मिल जाएगी। क्लियर? तो कौन से पॉइंट है, तो ये अपने देखते हैं। नंबर वन, एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी रिसीव्ड, कि एक्चुअली में उसको कितना पैसा मिल रहा है। पॉइंट नंबर टू, लिमिट आपको बता दिए 20 लाख, कि भाई ग्रेच्युटी में मैक्सिमम एग्जेम्पशन की लिमिट कितनी है, 20 लाख रुपीज। एंड नंबर थ्री, 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड। 15/26 मल्टीप्लाई बाय लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय लास्ट, आपको याद रखना पड़ेगा 15 into, मैं वापिस आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या रहेगा, ध्यान देना। इसका कैलकुलेशन कैसा होगा आप यहाँ पे टेबल में चेक करो, कि जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें सॉल्यूशन कैसा होगा, मैं आपको फॉर्मेट ही बता देता हूँ। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ये इसको इतनी ग्रेच्युटी मिली है। क्लियर? फॉर्मेट तुमको बता रहा हूँ, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-10-2, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-10-2। क्लियर? ध्यान देना इसको सही तरीके से, ध्यान देना। तो थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ तो आपको समझ में जरा सही तरीके से आएगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बात करें, बंडे को जो एग्जेम्पशन में, टू इसके लिए नहीं है कि मेरे पास कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं है, तब क्या बताया कि सपोज ये बंदे को ये 3x अमाउंट की ग्रेच्युटी मिली है। अब ये कवर्ड बाय एक्ट है, कौन है, कवर्ड बाय एक्ट अपने, क्योंकि कवर्ड पे भी, नॉट कवर्ड पे गई नहीं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो जो अमाउंट है पूरी की पूरी एग्जेम्प्टेड कर दो, कोई अमाउंट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर वो कवर्ड है तो क्या आएगा, ग्रेच्युटी रिसीव्ड लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10-10-2 ब्रैकेट में लिखता हूँ व्हिचएवर इज लेस, जो कम होगी उतना उसको राहत मिलेगी। तो कौन सी मिलेगी, तो पॉइंट नंबर वन आता है एक्चुअल रिसीव्ड, उसको एक्चुअल में कितनी मिली है। नंबर टू लिमिट कितनी है, मैंने अभी पढ़ाई आपको, लिमिट कितनी है 20 लाख। क्लियर? 20 लाख की लिमिट है। एंड नंबर सी लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, यानी उसने कितने महीने या कितने समय काम करा है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, याद रखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस डिवाइड बाय यहाँ बता देता हूँ, डिवाइड बाय 26। इसका मतलब इसकी भी कोई पर्टिकुलर तुम ये सॉल्व करोगे तो अमाउंट आएगा कि एक्चुअल रिसीव्ड लिमिट 20 लाख, 15/26 into लास्ट मंथ सैलरी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीटेड।
ये तुम्हारा फॉर्मेट है किसके लिए, किसके लिए तुम्हारा फॉर्मेट है, ये तुम्हारा फॉर्मेट है कवर्ड बाय एक्ट के लिए, किसके लिए तुम्हारा ये कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, अगर तुम्हारा कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। क्लियर? अब इसमें हम समझते कि भाई लास्ट मंथ सैलरी का मतलब क्या होता है, 15/26 का मतलब क्या होता है, तो वो हम भी इसको जरा डिटेल में देखते हैं। बाकी की सब चीजें तो आपको इजीली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहला आता है लास्ट मंथ के पहला आता है सैलरी का मतलब क्या, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। सैलरी फॉर द स्टेटमेंट लिमिट ओनली बेसिक सैलरी एंड ईयरनेस अलाउंस। सैलरी का मतलब क्या होता है, बेसिक सैलरी और डीएनएस अलावंस। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर कमीशन भी दे रहा है, बोनस भी दे रहा है, इंसेंटिव भी दे रहा है, आउटरेंज दे रहा है, वेजेस दे रहा है, तो ये सब चीज़ों को हमको देखना नहीं है। सैलरी का मतलब यहाँ पे जो लास्ट मंथ सैलरी तो बात की बात है, पर पहले सैलरी है, लास्ट मंथ के पहले हमको ये समझना पड़ेगा सैलरी क्या होता है। तो सैलरी का मतलब दो ही चीज आएगी, बेसिक अलावंस एंड उसकी जो बेसिक सैलरी है प्लस डीएनएस अलावंस। याद रखना, अब यहाँ को स्पेसिफाई नहीं करा है तो डीएनएस अलावंस फॉर्मिंग हो के नॉट फॉर्मिंग हो दोनों दो ले देंगे। नंबर टू, लास्ट मंथ पता चल गया कि जब जिस महीने या जिस वक्त वो रिटायर हुआ तो उस वक्त वो बंदे की सैलरी कितनी थी, 15/26 तो कॉमन रहेगा। अब आता है तुम्हारा नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस के लिए आपको मैं एकदम सिंपल लॉजिक बता देता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि अगर बंदे ने 25 साल 7 महीने काम किया है, 25 years 7 साल सर्विस दी है, तो उसका अपना नंबर ऑफ ईयर गिनेंगे 26। क्या गिनेंगे? 26। इसका मतलब क्या हुआ, तो तुमको ये पॉइंट याद रखना है कि इफ द पीरियड, देखो पॉइंट नंबर 4 पे ध्यान देना, इफ द पीरियड ऑफ सर्विस फॉर 6 months और लेस इट शैल बी इग्नोर्ड फॉर दिस पर्पस, बट इफ द पीरियड ऑफ सर्विस इज मोर देन 6 months इट शैल बी कंसिडर्ड एज अ फुल ईयर। नीचे एग्जाम्पल दी तो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर 1 26 साल 5 महीने 29 दिन काम करा है, तो देखो 26 साल मगर 6 महीने से कम करा है तो मेरा सर्विस ऑफ ईयर कितना आएगा, 26। अगर मैंने 26 साल 6 महीने करा है तो भी कितना गिना जाएगा, 26 साल। मगर आगे देखो, मैंने 26 साल 6 महीने 1 दिन 26 साल 6 महीने 1 दिन करा है, 6 महीने के ऊपर मैंने 1 घंटा भी करा हो तो ऑटोमेटिकली मेरा नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस कितना हो जाएगा, 27। नीचे तो सिंपल है, 26 साल 11 महीने यानी ऑटोमेटिकली 27 साल, यानी अगर 6 महीने से ज्यादा कम है तो ऑटोमेटिकली तुम अक्का साल चेंज कर दोगे। क्लियर? ये तुम्हारा कैलकुलेशन होता है। देखो मैं तुमको एक सम के जरिए बताता हूँ तो आपको समझने में इजी रहेगा, एक सम सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद अपने लेक्चर को खत्म करते हैं। सम सॉल्व करके बताता हूँ, ओके, देखते अपने सम कैसे सॉल्व करते हैं। मेरे पास फॉर्मेट आई थिंक अवेलेबल है, यस फॉर्मेट अवेलेबल है, ध्यान देना। क्या दिया है, मिस्टर रोहन एन एम्प्लॉई ऑफ पी क्यू आर लिमिटेड रिसीव 45,000 एज ए ग्रेच्युटी अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। 45,000 ग्रेच्युटी मिलती है, तो देखो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल अज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअल अमाउंट कितनी हुई, 45,000, ये भी हमको अमाउंट मिल गया, ये भी हमको अमाउंट मिल गया। एक्चुअल अमाउंट कितनी है, देखो यहाँ लिख रहा हूँ तो आपको जरा सही तरीके से दिखेगा, खाली आपको फॉर्मेट पे ही ध्यान देना 45,000। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल रिसीव की बात करो तो एक्चुअल में उसको रिसीव कितनी हुई है, रिसीव कितनी हुई है, 45,000। क्लियर? क्लियर, एक्चुअल रिसीव कितनी हुई है, 45,000। क्लियर? कितनी है, 45,000 लिख दी मैंने, लिमिट 2 लाख। अब थर्ड पॉइंट क्या है, 15/26, तो आप कैलकुलेटर के लेके बैठना। अब आगे पढ़ते, द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब बंदा रिटायर हुआ तो उसकी सैलरी कितनी थी, 2340, कितनी थी, 2340। तो देखो मैं पूरा के पूरा वर्किंग आपको बता देता हूँ, 15 डिवाइड बाय 26
मल्टीप्लाई बाय 2340 क्या लिखा, इंक्लूसिव ऑफ डीएनएस अलाउंस, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सैलरी के फॉर्मेट में ही आपको बता दिया था कि भाई जिसके अंदर कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक के अंदर, कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक के अंदर डीएनएस अलाउंस और बेसिक पे आता है, तो दोनों दो इंक्लूड होगा, तो 2340 सर 200 प्लस करो, क्यों प्लस नहीं करे तुम, वर्डिंग पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिख के दिया इंक्लूसिव, क्या लिख के दिया है इंक्लूसिव लिख के दिया है, क्लियर। मल्टीप्लाई बाय कितने ईयर सर्विस है, 30 साल 4 महीने, इसका मतलब उसने 6 महीने से कम काम करा है, तो चलो कैलकुलेट करो, 15 × 2340 × 30 / 26, तो आपका आंसर क्या आता है, 40,500। अब चेक करो रूल्स क्या था, एग्जेम्पशन क्या था, विच एवर इज लेस, तो तीनों में कौन कौन सा है, देखो ये 45,000 है, लिमिट 2 लाख की है, कम 40,500, तो तीनों में से कम कौन सा है, तीनों में से कम है 40,500, तो मैं 45,000 में से 40,500 माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ गया टैक्सेबल ग्रेच्युटी कितनी, 45,000 माइनस 40,500, तो मेरी टैक्सेबल सैलरी कितनी हुई 4,500, इसका मतलब मेरे को इस अमाउंट पे सिर्फ 4,500 पे ही टैक्स पे करना है, 40,500 तो मेरे रूल्स के मुताबिक एग्जेम्प्टेड हो गई। अब मैं सिर्फ एक शब्द चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली पूरा सम चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि मिस्टर एक मोरोहन रिटायर आफ्टर सर्विस ऑफ 30 ईयर एंड 9 मंथ, ये 4 के बदले क्या हो जाता 9, तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ ईयर्स क्या हो जाते 31। एंड इन शॉर्ट इन सिंपल वर्ड यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर द फॉर्मेट ऑफ ग्रेच्युटी। ओके, हियर वी कंप्लीट अवर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक। If you have any doubt, any problem, you can free to call me after 6 o'clock.